हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमएस वर्ड का बेसिक इंटरफेस समझेंगे। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जिसका यूज हम डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हमें लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूम एक्सेट्रा बनाना हो तो हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप एमएस वर्ड 2007 को क्लिक करेंगे तो आपकी एमएस वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। ये एमएस वर्ड का इंटरफेस है जिसमें सबसे टॉप पर आपको टाइटल बार दिखाई देगा। अभी टाइटल बार पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, लेकिन जब आप फाइल सेव करेंगे तो यहाँ पे फाइल का नाम दिखाई देगा। ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें आपको अंडू, रीडू और सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो यहाँ के ऑप्शन आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जो आगे की वीडियो में सीखेंगे। हर विंडो में राइट में आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। जब आप मिनिमाइज को क्लिक करते हैं तो आपकी विंडो मिनिमाइज होकर टास्क बार पे आ जाती है। आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए तो वो नॉर्मल साइज में दिखाई दे जाएगी। उसके बाद आते हैं सेंटर बटन पे। ये आपका रीस्टोर डाउन का काम करेगा। आप इसे अपने हिसाब से रीसाइज कर सकते हैं। आप इसे वापस मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो फिर से सेंटर वाले बटन पे क्लिक कीजिए। थर्ड आपका क्लोज बटन है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। टाइटल बार के नीचे के इस सेक्शन को रिबन कहते हैं। एमएस वर्ड के अंदर जितने भी कमांड्स हैं वो इस रिबन के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। रिबन को डिवाइड किया गया है मल्टीपल टैब्स में। आप देख सकते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस एटसेट्रा, आपके मल्टीपल टैब्स हैं। हर टैब के अंदर आपको स्पेसिफिक रिलेटेड ग्रुप दिखाई देंगे, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स। ये होम टैब के अंदर ग्रुप्स हैं जिसके अंदर रिलेटेड कमांड है। नेक्स्ट, दिस इज डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। फॉन्ट की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट एरिया है जहाँ पे हम अपना कंटेंट लिखते हैं डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ये इंसर्शन पॉइंट या कर्सर है। कीबोर्ड से आप कुछ भी टाइप करेंगे इसी पॉइंट पर टाइप होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, इक्वल RAND ब्रैकेट एंटर। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए तीन पैराग्राफ मिल गए हैं। आप देख सकते हैं मेरा कर्सर या इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर है। मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, कर्सर आपका आगे शिफ्ट होता जा रहा है। ये स्टेटस बार है, शो करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस और कितने वर्ड्स हैं। ये व्यू बटन्स है जिससे आप डॉक्यूमेंट का व्यू चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम व्यू टैब में सीखेंगे। ये जूम कंट्रोल है जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। वर्टिकल स्क्रॉल बार से आप अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल से आप इसे लेफ्ट और राइट शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूलर। रूलर की हेल्प से हम अपने पेज में मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगर हमें पेज के टॉप और बॉटम में मार्जिन सेट करना है तो हम वर्टिकल रूलर का यूज करेंगे। हम इस तरीके से पेज के टॉप में मार्जिन सेट कर सकते हैं। सिमिलरली लेफ्ट मार्जिन के लिए हॉरिजॉन्टल टैब के स्टार्टिंग इंडेंट को आगे शिफ्ट करेंगे। अपर पार्ट शिफ्ट करने से पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन वहां पर शिफ्ट हो जाएगी और जहां लोअर पार्ट है पैराग्राफ की रिमेनिंग लाइन वहां पर होगी। और इस तरीके से अगर हम राइट में मार्जिन देना चाहते हैं तो एंडिंग इंडेंट को उस जगह पर शिफ्ट कर देंगे। अगर आप रूलर को शो और हाइड करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं।